प्रिय मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी मास्टर जी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ पार्ट वन। बिल्कुल जीरो से हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि गुणनखंड तथा गुणज क्या होते हैं। गुणनखंड तथा गुणज क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा के अनुसार यदि ए बी को पूर्णतया विभक्त कर दे तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 15, अब 15 किन किन संख्याओं से पूरी तरह से कट जाएगा? 15 एक से पूरी तरह से कट जाएगा, 3 से पूरी तरह से कट जाएगा, 5 से पूरी तरह से कट जाएगा और 15 से पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि 15 जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से विभक्त हो जा रहा है वे सभी 15 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। ठीक है, तो 15 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5 और 15। जैसे 35 हमने ले लिया, तो 35 किन किन संख्याओं से पूरी तरह से विभक्त है वही 35 के गुणनखंड होंगे। तो 35 एक से पूरी तरह से कट जाएगा, 5 से पूरी तरह से कट जाएगा, 7 से पूरी तरह से कट जाएगा और 35 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। यानी 35 से गुणनखंड ये सभी है। ठीक है, तो 35 से गुणनखंड 1, 5, 7 और 35, ये सभी 35 के गुणनखंड हो गए। अब हम समझते हैं कि गुणज क्या होता है। जैसे हमने ले लिया 3 और हमको 3 का गुणज ज्ञात करना है, 3 का गुणज ज्ञात करना है, तो 3 किन किन संख्याओं को काट देगा? 3 को विभक्त कर देगा, 6 को विभक्त कर देगा, 9 को विभक्त कर देगा, 15, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हमने कर दिया कि 4 के गुणज ज्ञात करें, तो 4 किन किन संख्याओं को विभाजित करेगा? 4 को पूरी तरह से विभाजित करेगा, 8 को विभाजित कर देगा, 12 को विभाजित कर देगा, 16 को विभाजित कर देगा, 20 को विभाजित कर देगा। यानी 4 के यदि हम गुणज ज्ञात करना चाहें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो किन किन संख्याओं को कोई संख्या विभाजित कर रही है वही उसके गुणज हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हुआ गुणनखंड तथा गुणज। अब हम समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे मान लेते हैं 2, 4, 8, 16। ठीक है, 2, 4, 8 और 16 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से, यानी 2, 4, 8 और 16 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो आप सोचिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूरी तरह से कट जाएगी। अपने मन से सोचिए, कोई भी संख्या लीजिए। जैसे हम अपने मन से कुछ संख्याओं को लेते हैं, हमने अपने मन से कुछ संख्याओं को ले लिया। अब देखिए यहां पर 16 जो है 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। उसी प्रकार से 32 जो है 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। और उसी प्रकार से 64 भी है 2, 4, 8, 16 से कट जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा कि इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी 64 भी कट जा रहा है, 32 भी कट जा रहा है और 16 भी कट जा रहा है और पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या है 16। ठीक है, तो 2, 4, 8 और 16 का एलसीएम कितना हो गया? 16। क्योंकि परिभाषा में दो कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि छोटी से छोटी होनी चाहिए और विभाजित होना चाहिए, पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। इसमें दूसरी कंडीशन तो लागू हो रही है कि पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है, 16 भी कट जा रहा है, 32 भी कट जा रहा है, 64 भी कट जा रहा है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या में सिर्फ 16 पर ही कंडीशन लागू हो रहा है। इसका मतलब कि 2, 4, 8 और 16 का एलसीएम कितना हो गया? 16 हो गया। जैसे हम एक सवाल और लेते हैं, इसे 3, 5 और 15, 3, 5 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। और हम कुछ संख्याओं को लेते हैं 15, 30, 45। अब आप बताइए कि 3, 5 और 15 का एलसीएम कौन होना चाहिए?
30, 45 या 15, यानी 3 से 5 से 15 से तीनों संख्याएं कटेंगी, लेकिन छोटी से छोटी संख्याओं को लेना है, वही होता है एलसीएम। यानी 3, 5 और 15 का एलसीएम कौन सा हो जाएगा? 15। 15 जो है 30, 45 से छोटा है और परिभाषा के अनुसार छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यह होगा एलसीएम। अब हम समझते हैं एचसीएम। HCF, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे, जैसे 4, 8 और 12। अब परिभाषा क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे, इसका मतलब कि जो संख्याएं दी गई हैं ये सभी संख्याएं विभक्त हो जाएं, पूरी तरह से कट जाएं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 को भी काट दे, 8 को भी काट दे और 12 को भी काट दे? अपने सोचिए, कोई भी संख्या सोचिए जो 4 को भी काट दे, 8 को भी काट दे और 12 को भी काट दे। जैसे हम संख्याओं, कुछ संख्या को लेते हैं, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए। ऐसी 2, 4, 6 और 8 में से पहचानिए कि कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 12 को पूरी तरह से भाग देने पर कट कर दे, कौन सी सी संख्या है? तो यदि हम 2 से 4 में भाग दें तब भी कट जाएगा, 2 से 8 में भाग दें तब भी कट जाएगा, 2 से 12 में भाग दें तब भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 से 4 में भाग दें कट जाएगा, 4 से 8 में भाग देंगे तब भी कट जाएगा और 4 से 12 में भाग देंगे तब भी पूरी तरह से कट जाएगा। अब हम 6 को देखते हैं, 6 से भाग दे तो 4 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा और 12 कट जाएगा। 8 से देखते हैं तो 8 से 4 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 12 नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी संख्याओं को लेना है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। अब 2 और 4, 2 से यदि हम इन तीनों संख्याओं में भाग दे तब भी कट जाएगा और 4 से भाग दे तब भी कट जाएगा, ठीक है। तो इनका एचसीएफ कौन सा होगा, यानी 4, 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा कि 4 होगा? कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर पूर्णतया विभक्त कर दें, ये दोनों कंडीशन तो लागू हो रहा है दोनों में, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 4 बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया, तो बड़ी 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 संख्या लेनी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 4। यानी इनका एचसीएफ कितना हो गया, इनका एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, जैसे 15, 30 और 45 ले लिया हमने। अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 को, 30 को और 45 को, तीनों को काट दे, कौन सी सी संख्या है? हम कुछ संख्याओं को लेते हैं, देखिए 3 ले लिया हमने, 5 ले लिया, 15 ले लिया हमने, 30 ले लिया, ठीक है, कुछ संख्याओं को अपने मन से ले लिया। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे? 3 से यदि हम 15 में भाग दे कट जाएगा, 30 में भाग दे तब भी कट जाएगा, 45 में भाग दे तब भी कट जाएगा। उसी प्रकार से यदि 5 से हम 15 में भाग दे तब भी कट जाएगा, 30 में भाग देने पर भी कट जाएगा, 45 में भाग देने पर भी कट जाएगा। उसी प्रकार से 15 से यदि हम इसमें भाग दे 15 में कट जाएगा, 30 में भाग दे तब भी कट जाएगा और 45 में भाग दे तब भी कट जाएगा। अब हम 30 से भाग देते हैं, 15 में नहीं कटेगा, इसका मतलब कि जब एक संख्या से नहीं कटा तो हटा देंगे सीधे। अब इसमें हमको देखना है कि 15, 30 और 45 का HCF कौन सी संख्या होगी। अब इसमें दो कंडीशन लागू होना चाहिए, पहला पूर्णतया विभक्त होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो दूसरा कंडीशन तो सभी पर लागू हो रहा है, यानी 3, 5 और 15 से ये सभी संख्या कट रही है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 3, 5 और 15 में बड़ी संख्या कौन है? 15। इसका मतलब कि 15, 30 और 45 का HCF कौन हो गया? 15 हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमने पूरी तरह से कोशिश किया कि आपको बिल्कुल बारीक से समझाएं। अब हम कुछ सामान्य सूत्रों को देख लेते हैं। जब हम HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अध्याय पढ़ेंगे, जब सवालों को हल करेंगे, तो ये सभी फार्मूले काम में आएंगे। तो पहला हमारा सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है मस गुणा लस। इसका मतलब
इसका मतलब हुआ, मान लेते कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके इसके बराबर क्या होगा, ए और बी का मसा, तो ए और बी का जो भी मसा आएगा और ए और बी का जो भी लसा आएगा उनका गुणनफल कर देंगे तो ए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि एक संख्या चार है और दूसरी संख्या छह है, चार और छह का मसा हम लेते हैं, तो चार और छह का मसा क्या होगा, हमने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो चार और छह को विभाजित कर दे, तो चार और छह का मसा हो जाएगा दो, और चार और छह का लसा क्या होगा, चार और छह का लसा क्या होगा, बारह। बारह क्यों, चार से जब हम बारह में भाग देंगे कट जाएगा, छह से बारह में भाग देंगे कट जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का मस गुणा उन संख्याओं का लस, तो चार छंग कितना हो जाएगा 24, 24 बराबर दो बारह हम 24। ठीक है, तो यह एक छोटा सा उदाहरण था, जब हम सवालों को हल करेंगे तो ये सभी सूत्र आपको काम में आने वाले हैं। अब हम लेते हैं अगला फार्मूला। मित्रों अगला फार्मूला है भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस बटा के हरों का मस। जैसे हमारे पास दो भिन्न दिए हुए हैं, दो बटा के चार कामा तीन बटा के छः, दो बटा के चार कामा तीन बटा के छः, और हमसे पूछा जा रहा है भिन्नों का लस ज्ञात करें। इसका मतलब कि जब हमको भिन्नों का लस ज्ञात करना पड़ेगा तो इस सूत्र का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। भिन्नों का लस ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंशों का लस और हरों का मस ज्ञात करना पड़ेगा। तो अंश कितना है, अंश कितना है दो और तीन, दो और तीन, तो दो और तीन का लस कितना हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक मतलब तीन संख्याओं को काट दे, छोटी छोटी संख्या जो इन संख्याओं से कट जाए, दो और तीन छह को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, बटा के हरों का मस, हरों का मस यानी चार और छह का हम मस निकालेंगे, दो और तीन का लस निकाल देंगे, वही हो जाएगा भिन्नों का लस। तो चार और छह हर हैं, तो हरों का मस यानी चार और छह का मस कितना हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक दो हो जाएगा, और इसको हम कट कर देंगे दो तीन छह, इस प्रकार से भिन्नों का लस निकल जाएगा। अगला हम सूत्र लेते हैं जहां पर हम देखेंगे भिन्नों का मस। जैसे हमको भिन्नों का लस ज्ञात करना है तो ऊपर का लस निकाल देंगे और नीचे का मस, यदि भिन्नों का मस ज्ञात करना है तो अंशों का मस यानी ऊपर वाले का मस नीचे वाले का लस निकाल देंगे। जैसे इसी को हम ले लेते हैं, अब इसी भिन्न का हमको मस ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक, तो दो और तीन का हम मस ज्ञात करेंगे और चार और छह का लस ज्ञात करेंगे, तो दो और तीन का मस कितना हो जाएगा, दो और तीन किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जो ए दो और तीन को पूरी तरह से विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो दो और तीन को केवल एक ही विभाजित कर सकता है, यानी दो और तीन का मस कितना हो गया एक। ठीक है, अब हम चार और छह का लस लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, तो चार और छह का लस क्या होता है, लस क्या होता है कि चार और छह वह छोटी से छोटी संख्या जो चार और छह से पूरी तरह से कट जाए, तो वह संख्या होगी बारह। बारह यदि बारह में यदि हम चार से भाग दे पूरी तरह से कट जाएगा और छह से भाग दे तो पूरी तरह से कट जाएगा, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं भिन्नों का मस। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक पार्ट वन था। यदि आप कमेंट करते हैं तो इसका हम पार्ट टू भी बना देंगे, और हमने आज आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयत्न किया कि लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, और कुछ हमने सूत्रों को देखा, ये सभी सूत्र आपको बाद में काम आएंगे, इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा, और हमने शुरू में सीखा था कि गुणनखंड तथा गुणज क्या होते हैं, इससे काफी ज्यादा प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।